हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ने वाले ट्रिगोनोमेट्री टेबल। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल है वो आज आपको सिखाएंगे सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट में टेबल आपको ऐसे लर्न होगा कि आपको तो आ ही जाएगा। अपने दोस्तों को भी आप सिखाओगे कि भाई देख 5 मिनट में हो जाता है। सिंपल 3 स्टेप फॉलो करने, 3 स्टेप के अंदर पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। टेबल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि 0, 30, 45, 60 और 90 ये एंगल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 स्टेप हमने बताया आपको, 3 स्टेप के अंदर पूरा टेबल ड्रॉ हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करने। पहला स्टेप क्या है, आपको 4 नंबर लेने हैं। कितने नंबर, 4। जैसे कि यहाँ पे 0 है तो हमने लिया 0, फिर लिया 1, 2, 3 और यहाँ पे लिया 4। सिर्फ हमने क्या किया, 4 नंबर लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। आसान है ये। 4 नंबर लिया तो समझो 4 से डिवाइड कर लो सबको। 4 नंबर लिए हमने तो डिवाइड भी किससे करेंगे, 4 से। तो हम ले रहे 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। तो समझो ये हो रहा है हमारी ट्रिक खत्म, फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म होने आया। अब एक आखिरी चीज करनी है, सब में आपको क्या डाल लेना है, स्क्वायर रूट डाल लेना है। क्या डालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट डालोगे वैसे आपका टेबल का बेस खत्म, मतलब का आपका टेबल बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सब में क्या डाल दिया हमने, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट डाल दिया हमने। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट का सॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म, अब सिर्फ लिखना है। लिखना कैसे है आपको, तो लिखना कैसे, जैसे कि यहाँ पे दिया है 0 डिवाइड बाय 4। आपको पता है 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, 0। तो हमने लिख दिया, ये हो गया 0, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट देते हो आप ध्यान रखना, एकदम सिंपल ही समझो, जब भी जब आप लोग स्क्वायर रूट देते हो आपको क्या करना है, दोनों नंबर को पर्सनली दे देना है। पर्सनली तो ऐसा नहीं कह सकते, न्यूमरेटर को भी देना है, डिनोमिनेटर को भी देना है, लेकिन ऐसे याद रखो जो भी दिया होता है दोनों नंबर, दोनों को पर्सनली दे दो। पर्सनली कैसे होता है, तो आपको कभी मिस्टेक नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1, 1 को स्क्वायर रूट देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 2 जा 4, मतलब कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 4 का 2 होता है, लेकिन 2 का क्या होगा, स्क्वायर रूट में 2, क्लियर। यहाँ तक 3 का निकलना नहीं तो हम क्या रखेंगे, एज इट इज रूट 3 लिख देंगे। 4 का कितना होता है, 2, क्लियर, 4 कट हो जाएगा। 1 का कितना होता है, 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट, ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले 4 नंबर लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर लिए थे इसलिए 4 से सबको डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट लगाया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म, क्लियर यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, एक स्टेप आप लिखोगे, एक स्टेप आपको फ्री मिलेगा, 1 के साथ 1 फ्री, आया समझ में। कैसे फ्री मिलेगा, जैसे कि आपको साइन थीटा के बाद लेना है कॉस थीटा, साइन थीटा के बाद क्या लेना है, कॉस थीटा, वो आपको फ्री मिलेगा। सिर्फ देख के लिखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ लॉजिक नहीं, ठीक है। कॉस थीटा लिख दिया, रिवर्स से शुरू करना, यहाँ लास्ट में 1 था तो स्टार्टिंग में लिख दो 1, रूट 3 डिवाइड बाई 2 तो लिख दिया यहाँ पे, रूट 3 डिवाइड बाई 2, फिर 1 अपॉन रूट 2 तो 1 अपॉन रूट 2, फिर यहाँ से 1 बाई 2 1 बाई 2, यहाँ से 0 तो 0। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 0, तो ये हो गया कॉस थीटा की जितनी भी वैल्यू थी वो मिल गई हमें। जैसे साइन का ढूंढा हमने, कॉस थीटा फ्री, ऐसे हम बात करते हैं नई वैल्यू की, वो है टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आया समझ में, सेकंड स्टेप देखते हैं हमारा क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा को आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का वीडियो है हमारा, देख लेना आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, टेन, मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिवाइड। अब 0 डिवाइड बाय 1 होगा तो आंसर तो क्या आएगा, 0, ठीक है। ये यहाँ पे जो डिवाइड होता है उसमें सब मिस्टेक कर देते, तो एक बार आपको रफ में करके दिखा देते हैं। समझो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्या हुआ, √3 डिवाइड बाई 2। अब डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर 2 आएगा नीचे, तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, 1 के साथ आ जाएगा 2, डिविजन में 2 और √3 बचेगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा, कट। इसका एक सिंपल मतलब क्या होता है, ये आपको अगर नहीं करना है, सब में थोड़ी ना आप करने बैठे, सिंपल मतलब याद रखो, अगर डिवीजन सेम होता है, डिवीजन क्या होता है, सेम, तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बाकी एज इट इज लिख दो।
वही मिला वन स्क्वायर रूट में रूट थ्री। क्लियर यहाँ तक? टू टू कट हो गया, वन और रूट थ्री मिल गया हमें। जैसे ही यहाँ पे करते हैं तो टू टू क्या है सेम, टू टू कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे वन डिवाइड बाय रूट थ्री। यहाँ पे भी रूट टू क्या हो जाएगा कट, तो क्या बचेगा सिर्फ वन, वन डिवाइड बाय वन तो सिर्फ वन ही होगा। यहाँ पे भी टू टू कट हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा रूट थ्री डिवाइड बाय वन। डिविजन में तो वन लिखने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे देखो वन डिवाइड बाय जीरो हो रहा है, तो याद रखना कभी भी डिवीजन में जीरो आए तो वो क्या होता है इनफाइनाइट होता है, मतलब कि वो अनडिफाइंड है। क्या होता है अनडिफाइंड, मतलब कि उसकी वैल्यू हम सोच नहीं सकते, मतलब फाइंड नहीं कर सकते। आया समझ? तो हमने बताया था फर्स्ट स्टेप हो गया उसके ऊपर से एक फ्री, अब सेकंड स्टेप हो गया टेन थीटा उसके ऊपर से भी एक क्या मिलेगा फ्री, तो कौन सा फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा हमें कॉट थीटा। सेम भाई यहाँ पे लिख दो इन्फिनिटिव, यहाँ पे लिख दो रूट थ्री, ये वन एज इट इज, यहाँ पे वन डिवाइड बाय रूट थ्री और यहाँ पे जीरो। तो ये हो गया हमारे दो स्टेप खत्म। आखिरी स्टेप देखते हैं थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप हमें लेना है कोसेक थीटा। थर्ड स्टेप में हमें क्या लेना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कैसे लेंगे, तो फॉर्मूला पता है त्रिकोणमेट्री का। साइन थीटा को अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं वन अपॉन साइन लेते हैं, क्या लेते हैं वन अपॉन साइन, तो वो क्या हो जाता है कोसेक थीटा। मतलब कि साइन की जो वैल्यू है उसको हमें उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल लेना है। आया समझ में? ठीक करके देखते हैं। जीरो यहाँ ऊपर नीचे ले जाए तो पता है आपको डिवीजन में जीरो जाए तो क्या हो जाता है इनफाइनाइट। टू ऊपर जाएगा डिवीजन में वन तो टू आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। स्क्वायर रूट टू ऊपर वन नीचे तो यहाँ पे क्या मिलेगा रूट टू। टू ऊपर और थ्री नीचे होगा ही नहीं ऐसे, तो ये हो गया हमारा टू डिवाइड बाय रूट थ्री। वन का तो आप रेसिप्रोकल करो तो भी क्या आएगा सिर्फ वन ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा आखिरी स्टेप खत्म। इसके साथ भी एक वैल्यू फ्री मिलेगी, कौन सी मिलेगी सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ से लिखना शुरू कर देते वन, फिर यहाँ से टू डिवाइड बाय रूट थ्री रूट टू, यहाँ से टू और यहाँ से इनफाइनाइट। आया समझ में? एक बार जल्दी से रिवाइज करवा लेते फटाफट देख लो। पहले हमने क्या किया जीरो वन टू थ्री फोर लिखा, चार से डिवाइड किया फोर डिवाइड बाय फोर सबको किया, स्क्वायर रूट में लिख दिया तो सबसे पहले वैल्यू किसकी मिली हमें साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मिली ना यहाँ पे, मतलब कि वो क्या हो गया हमारा स्टेप वन। हमने क्या बताया एक के साथ एक फ्री, मतलब साइन आपने लिख दिया तो कॉस आपको देख के लिखना है, दिमाग नहीं लगाना है, कॉस थीटा लिख के पूरी उल्टी वैल्यू लिखना शुरू कर देना है। क्लियर? सेकंड स्टेप हमने क्या किया टेन थीटा, तो आपको ये मेन स्टेप याद रखने। साइन थीटा कैसे लिया वन टू थ्री फोर करके, सेकंड स्टेप टेन थीटा कैसे लिया तो साइन और कॉस का डिवाइड करके, तो ये मिल गया हमें। थर्ड स्टेप क्या था, जैसे उसमें भी बताया था टेन के साथ कॉट फ्री आ रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था कोसेक थीटा, वो हमने कैसे लिया कोसेक थीटा, हमने लिया साइन का रेसिप्रोकल लिया, मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया तो हमें क्या मिल गया कोसेक थीटा। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। तो इसके साथ ये जो हमारा त्रिकोणमेट्री का जो टेबल है वो पूरा कंप्लीट हो गया, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। आया समझ में? तो मिलते हैं दोस्तों नए कोई टॉपिक के साथ नए कोई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।